नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप भी ऑनलाइन पीएफ क्लाइम किए हैं और आपका क्लाइम सेटल हो गया है, बट आप यहाँ पे फिर से दोबारा आप अपना पीएफ फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका मन में ये डाउट है कि फिर हम कितने दिनों के बाद अपना पीएफ फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हो, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट यहाँ पे काम की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे यदि आप दोबारा फिर से पीएफ फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पीएफ पासबुक ओपन करके आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा अमाउंट अभी अवेलेबल है ये आपको चेक करना है, जो कि आपको एम्प्लॉयर से जो भी यहाँ पे अमाउंट होता है। दोस्तों, यहाँ पे टोटल ई बैलेंस अभी दिखा रहा है हमारा 2000 कुछ रुपीस है, तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे फिर से अभी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि आपका ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है कि आप यहाँ पे कौन से फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म 19 या तो फिर आप यहाँ पे एडवांस के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। यदि आप यहाँ पे एडवांस के लिए अभी अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो इस अमाउंट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब ऑनलाइन में आप अपना फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको एडवांस पारा आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों, फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम में आपको यह ध्यान में रखना है कि जब आप पहले अप्लाई किए थे तो उस टाइम यहाँ पे पारा डिटेल्स में आप क्या सेलेक्ट किए थे। यहाँ पे देख सकते हो, ये आउट ऑफ एडमिन कवर 90 को सेलेक्ट किया था, बट अब यदि आप फिर से अप्लाई करने के लिए जाइएगा दोबारा, तो ये ऑप्शन आपको शायद नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इनलेस का आपको जो पारा आता है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर पिछले बार तो आप इनलेस का फॉर्म यदि आप अप्लाई किए होंगे, पारा सेलेक्ट किए होंगे, तो वो वाला सेक्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। यदि आप उसको सेलेक्ट भी करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनलेस का आप जब पारा सेलेक्ट करते हैं तो एक महीने के बाद फिर से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप इनलेस के द्वारा से निकालना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, आपको वो नहीं करना है कि आप जो भी पिछले बार में अप्लाई किए थे जो पारा को सेलेक्ट करके, उस पारा को इस बार सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों, आपको पारा को चेंज कर देना है, यहाँ पे जो भी आपको पर्पस रहता है उसको आपको यहाँ पे चेंज करके आपको पीएफ फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब बात रहा कि हम कितने दिनों के बाद आखिर हम अपना पीएफ फॉर्म फिर से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको यहाँ पे जो पारा होता है दोस्तों, पर्पस होता है, उसको आपको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों, आप यदि इनलेस का फॉर्म पहले अप्लाई किए थे पारा, तो आप फिर से यदि आप इनलेस पारा ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट होने का चांसेस रहेगा, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ पे यदि आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एडवांस जो पारा होता है दोस्तों, उसको आपको सेलेक्ट करने में वहाँ पे आपको ध्यान में देना है। देन उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर में फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास में सिर्फ यहाँ पे पर्याप्त बैलेंस रहना चाहिए, आपको जो एम्प्लॉयर शेयर है वो आपके पास में अमाउंट आपका पासबुक में अवेलेबल होनी चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं 1 से 2 दिन का अंदर में ही। तो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन देना था जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया हूं। यदि दोस्तों आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, तो प्लीज हमारा कमेंट सेक्शन में आप अपना राय लिख सकते हैं, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगा, उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।